गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एट योर होम। सो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस, एंड टुडे वी विल डू पैराग्राफ राइटिंग एंड स्टोरी राइटिंग। सो चिल्ड्रन, वी हैव डन टू एसे एंड वन पैराग्राफ इन द क्लास। हमने कर चुके हैं, हम क्लास में पैराग्राफ हमारा माई फ्रेंड एंड द एसे हाउ आई स्पेंड माई पॉकेट मनी एंड द हाउस आई लिव इन। ये वन पैराग्राफ एंड टू एसे वी हैव डन इन द क्लास, एंड नाउ वी विल डू मोर वन पैराग्राफ। माई पैट, आई हैव अ स्मॉल क्यूट पैट, इट इज़ अ पैकिनीज डॉग, इट इज वेरी हेयरी, इट इट्स राउंड स्माइलिंग आईज अट्रैक्ट एवरी वन। आई हैव नेम्ड इट मिकी, इट फॉलोज मी एट होम वेयर एवर आई एम, it wants to be carried along if I go outside. I have made it learn good habits. It does not spoil any bed sheet. It does not spoil the floor. It has its own utensils and a bed. It likes to play ball with me. It loves to go out on a morning and evening walk. When any stranger comes, it barks loudly. When I talk to it, it responds with gesture. It wags its tail when it wants to affectionate touch. Everybody at home loves it. It is a member of our family. Everybody looks after its need. If it falls ill, everybody is worried. Mickey is undoubtedly अ क्यूट कम्फर्टिंग क्रिएचर एट होम। तो यहाँ पर हम पेट के ऊपर एक ऐसे हम लिख रहे हैं, सॉरी पैराग्राफ, हमने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है कि यहाँ पर हम अपने एक पेट के बारे में, पेट यानी कि जो कि इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि पैराग्राफ पेट कौन है, एक डॉग है जो कि कैसा है, स्मॉल और क्यूट है। वो एक पेकिनीज डॉग है, यानी कि ब्रीड उस डॉग की क्या है, पेकिनीज है, और बहुत ही हेयरी है वो, मतलब उसके काफ़ी बाल हैं, उसकी राउंड स्माइल आँखें जो सबको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। उसका नाम क्या है, मिक्की है। घर में सब उस डॉग को क्या बुलाते हैं, मिक्की। और वो घर में जहाँ भी, जो उसके मास्टर जहाँ भी जाता है वो उसके पीछे पीछे ही रहता है, और जो उसके मास्टर ने उसको काफ़ी गुड हैबिट सिखाई हैं। अगर हम कोई भी पेट घर में रखते हैं तो उसको हैबिट सिखानी पड़ती है कि वो कोई भी चीज़ स्पॉइल ना करे, जैसे कि बेडशीट यानी कि बेड पे बेड को स्पॉइल ना करे, फ्लोर को स्पॉइल ना करे। सो इट हैज़ इट्स ओन यूटेंसिल्स, उसके अपने बर्तन हैं और अपना उसका बेड है, वो उसी को यूज़ करता है। ये खाने के लिए अपना बर्तन यूज़ करता है और सोने के लिए अपना बेड यूज़ करता है। इट लाइक्स टू प्ले बॉल विद मी, और वो बॉल के साथ अपने मास्टर के साथ जो है खेलना चाहता है। इट लव्स टू गो आउट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक, मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक में उसको जाना पसंद है। व्हेन एनी स्ट्रेंजर कम्स, जैसे कि डॉग होता ही है, अगर आपके घर में डॉग होगा तो वो क्या करेगा, कोई भी स्ट्रेंजर आएगा तो वो उसके ऊपर बार्क्स करेगा, उसके ऊपर भौंकेगा लाउडली, एंड तो जब लेकिन कहीं जब उससे कोई बात करता है तो वो अपना उसको अपना गैस्चर अपना मतलब अपना गैस्चर उसको शो करता है, और वो अपनी टेल को क्या कहता है, वैग्स करता है, यानी कि पूंछ हिलाता है जब कोई उसको क्या चाहिए होता है, एक अफेक्शनेट टच चाहिए होता है कि क्योंकि जैसे कि आप हमने अपने डॉगीज़ को देखा ही है, डॉगीज़ कैसे करते हैं, अपनी पूंछ को हिलाते हैं जब वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि जो का मास्टर है या जो भी है उनको क्या करे, एक अफेक्शनेटली टच दे। एवरीबडी एट होम लव्स इट, उसको हर कोई घर में बहुत ही प्यार करता है, वो हमारे घर के एक सदस्य जैसा है। जाहिर सी बात है, जब भी हम कोई पेट अपने घर में रखते हैं तो वो एक फैमिली मेम्बर जैसा ही हो जाता है, ठीक है। जब वो बीमार पड़ता है तो सबको घर में दुख भी होता है कि इफ़ इट फॉल्स इल एवरीबडी वरीड। तो मिकी इज़ अ अनडाउटेबली क्यूट, वो कैसा है कोई संदेह की बात नहीं है कि वो एक बहुत ही प्यारा डॉगी है, एंड कम्फर्टिंग क्रिएचर एट होम, और काफ़ी कम्फर्ट है, यानी कि कम्फर्ट यानी कि जिसके साथ कोई दिक्कत ना हो। सो यू हैव टू राइट डाउन दिस पैराग्राफ इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो। नाउ द स्टोरी टाइम, वी विल डू वन स्टोरी। नाउ द स्टोरी राइटिंग, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर वन स्टोरी। आपको क्या करना है, स्टोरी एक स्टोरी जो है प्रिपेयर करनी है। You have to read this story. So, you have to prepare this story for your final exam. आपको final exam के लिए story prepare करनी है।
two crows and the snake. So first I will read this story and explain, and then I will give you a verb. Two crows had a nest on a tree. यानी कि दो कौवे थे, उनका एक tree में nest था. A snake used to eat their eggs in their absence. तो उनकी अनुपस्थिति में अक्सर जो वहाँ पर पेड़ में एक स्नेक रहता था, पेड़ के खोल में एक स्नेक रहता था जो उनके अनुपस्थिति में अक्सर उनके अंडे खा जाता था. One day a prince with his men came there. एक बारी अपने सिपाहियों के साथ एक राजकुमार जो है उधर की तरफ आता है. He placed his gold necklace on his clothes and went to nearby pool for a bath. वो क्या करता है जो प्रिंस, वो अपने क्लोथ्स के ऊपर अपना जो गोल्ड का नेकलेस होता है वो रखकर जो है वहाँ के एक पूल में, नियर बाय जो पास के एक पूल में नहाने चला जाता है. फादर क्रो पिक्ड अप द नेकलेस एंड प्लेस इट इन द होलो ऑफ द ट्री. और जो फादर क्रो होता है वो क्या करता है, प्रिंस के नेकलेस को उठाकर उस पेड़ के होलो ट्री में वो है उसको डाल देता है जहाँ पर वो स्नेक था. द प्रिंस ऑर्डर्ड हिज मैन टू फाइंड आउट हिज नेकलेस. जो प्रिंस होता है राजकुमार, वो अपने मेंस को, अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि वो उसका नेकलेस ढूंढे. द मैन रीच द ट्री. वो मैन जो होते हैं वो पेड़ के पास पहुंचते हैं. दे लुक्ड इनटू द होलो ऑफ द ट्री. और वो पेड़ के, जब वो पेड़ के होलो में यानी कि पेड़ के जो खोखल होता है उसके अंदर जब वो झांक के देखते हैं, दे फाउंड अ स्नेक सिटिंग ऑन द नेकलेस. वो देखते हैं कि एक स्नेक जो है वो उस नेकलेस के ऊपर बैठा है. दे पिक्ड अप स्टिक्स. वो उसको एक स्टिक्स के जो है बाहर निकालते हैं. दे किल द स्नेक टू रिमूव द नेकलेस. वो स्नेक को, वो नेकलेस को रिमूव कराने के लिए, नेकलेस को छुड़ाने के लिए स्नेक से वो उसको, स्नेक को मार देते हैं. दे टुक द नेकलेस टू द प्रिंस. और फिर वो जाकर वो नेकलेस जो है प्रिंस को दे देते हैं. द फादर एंड मदर क्रोज वर वेरी हैप्पी. अब जो फादर और मदर जो क्रो थे वो दोनों बहुत ही हैप्पी होते हैं क्योंकि देयर एनिमी वॉज डेड. उनका जो एनिमी था वो मर चुका था. देयर एग्स वुड बी सेफ. और उनके जो एग थे अब क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, वेयर स्ट्रेंथ इज फेल इंटेलिजेंस विंस. जहाँ पर ताकत जो है फेल हो जाती है वहाँ पर बुद्धिमानी काम आती है. So the children, you have to learn this, the moral of the story, and you have to learn this story. First you will read very carefully and then you have learn. And now here work for you. So first you will read the story and now here what you have to do, fill in the missing words in the and complete the story. सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसी story को same यहाँ कुछ इस तरीके से हमने लिखा है तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखने हैं और जो इसमें जो भी मिसिंग वर्ड है उनको फिल करके इस स्टोरी को कंप्लीट करना है. सो एज इन दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर फाइनल एग्जाम. इसी तरीके से आप अपने फाइनल एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर करेंगे. ओके, एंड देन फर्स्ट यू विल फिल द मिसिंग वर्ड्स एंड देन यू हैव टू राइट द मॉरल ऑफ द स्टोरी. और मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको लर्न करना है और द मिसिंग वर्ड, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट आप रीड करेंगे स्टोरी को, ध्यान से पढ़ेंगे एंड देन यू विल फिल द मिसिंग वर्ड एंड कंप्लीट द स्टोरी. सो द चिल्ड्रन, दैट्स ऑल ऑफ फॉर टुडे एंड द अदर वर्क वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय, टेक केयर.